अनंत अंबानी की प्री वेडिंग के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आप जानते हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी की शादी में 1,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है, जो कि मुकेश अंबानी की पूरी नेटवर्थ में से 0.1% भी नहीं है। और इसी कारण से आप इसे भारत की सबसे गरीब शादी भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे इंडिया में एक बाप अपने बेटे की शादी में अपनी पूरी कमाई में से लगभग 50% रुपए केवल शादी में ही उड़ा देता है, लेकिन मुकेश अंबानी ने तो ठीक से 1% भी खर्च नहीं किया। वेल, दूसरी बात, क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने एक बर्बेडियन सिंगर को हायर किया था जिसका नाम था रिहाना, और उस सिंगर ने लाइव परफॉर्मेंस बस करने के लिए 66 करोड़ रुपए चार्ज किए। और तीसरी सबसे मेन बात, इस शादी में बहुत बड़े बड़े VIP आए थे, लाइक बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सलमान खान और भी बहुत सारे। अगर आप लोगों ने अनंत अंबानी की वेडिंग वीडियोस देखी है तो उसमें आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि अनंत अंबानी की शादी में सभी बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए थे सिवाय विराट कोहली के, जिसकी वजह से विराट कोहली के फैंस ये बोल रहे हैं कि अंबानी तो हर क्रिकेटर को खरीद सकता है लेकिन विराट कोहली को नहीं खरीद सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि मुकेश अंबानी विराट कोहली से कई गुना ज्यादा अमीर हैं। और अनंत अंबानी की शादी में न जाने का कारण ये अमीरी और एटीट्यूड नहीं बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि अगर आप लोग विराट कोहली के फैंस हो तब तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कि विराट कोहली को अभी कुछ दिन पहले एक चाइल्ड हुआ था जिसका नाम था अकाय, और इसी की वजह से विराट कोहली ने कुछ दिनों के लिए क्रिकेट से भी ब्रेक लिया है, और यही कारण है कि वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में नहीं जा पाए। अंबानी फैमिली ने रिहाना को 60 से 70 करोड़ रुपए बुलाया था, ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि अनंत अंबानी ने जो ये वॉच पहनी है उसकी केवल कीमत से रिहाना को खड़े खड़े भी हायर कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉच है पैटेक फिलिप की जिसकी कीमत 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और इस वॉच के पूरी दुनिया में केवल 7 पीसेस ही अवेलेबल है जिसमें से एक अनंत अंबानी के पास है। तो अब सेकंड में आती है रिचार्ड मिल की ये वाली वॉच, जब अनंत अंबानी और सलमान खान गले मिल रहे थे और इस वॉच की कीमत भी 45 करोड़ रुपए है, क्योंकि इस वॉच के भी पूरी दुनिया में केवल 7 पीसेस ही अवेलेबल है। वेल, अब फाइनली बात करते हैं, जब मार्क जकरबर्ग और अनंत अंबानी बात कर रहे थे तब उनके हाथ में रिचार्ड मिल की दूसरी वॉच देखी गई थी जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए थी, और उस वॉच को देखकर मार्क जकरबर्ग की वाइफ ये बोल रही थी कि इतनी महंगी वॉच लेने की क्या जरूरत थी, इतने रुपए में तो 2 रोल्स रॉयस आ जाती। अनंत अंबानी की शादी में लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, लेकिन इतना ज्यादा कैसे? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अंबानी फैमिली ने गेस्ट को बुलाने के लिए जो इनविटेशन कार्ड चूज किए थे वो इतने ज्यादा लग्जरी थे कि केवल एक कार्ड की कीमत ही 1.5 लाख रुपए थी, और इस शादी में लगभग 2000 से भी ज्यादा गेस्ट इन्वाइटेड थे जिनका केवल इन्विटेशन कार्ड बस का खर्चा 30 करोड़ रुपए होता है। और इस वेडिंग को रखा गया था गुजरात के एक जामनगर सिटी में, लेकिन जामनगर सिटी में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जामनगर एयरपोर्ट नेशनल एयरपोर्ट था लेकिन काफी गेस्ट आने थे बाहर से, जिसकी वजह से जामनगर एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना पड़ा, और जब इतने सारे गेस्ट बाहर से आ रहे हैं तो उनके खाने पीने में कैसी कमी हो सकती है। इसलिए हमारे मोटा भाई ने 21 शेफ की टीम बुलाई इंदौर से, जो कि जापानी, थाई, मैक्सिकन हर तरह की डिशेस बनाएंगे मेहमानों के लिए, ताकि मेहमान नवाजी में किसी भी गेस्ट को कोई भी कमी महसूस ना हो। अनंत अंबानी की शादी 1200 करोड़ रुपए में हुई है, ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि नीता अंबानी ने जो ये नेकलेस पहना था उसकी कीमत कितनी है? तो आपको बता दूं कि नीता अंबानी ने जो ये नेकलेस पहना था उसमें 2 बड़े बड़े ग्रीन एलमंड लगे थे और 24 पीसेस छोटे छोटे, जिनको मिलाकर इस नेकलेस की टोटल कॉस्ट बनती है 450 करोड़ रुपए। लोगों की इतनी नेटवर्थ नहीं होती भाई, और यहाँ ये लोग इतना एक्सपेंसिव नेकलेस पहन रहे हैं। वेल, जब तक मोटा भाई है तो कुछ भी हो सकता है। अनंत अंबानी ने अपने स्पीच में ऐसा क्या बोल दिया जिससे मुकेश अंबानी को बीच स्पीच में ही रोना पड़ गया? तो आपको बता दूं कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग चल रही थी जिसमें राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी अपने बारे में बता रहे थे। स्पीच एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी अनंत अंबानी अपने बचपन के बारे में बताने लगे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ एकदम गुलाब की तरह है तो तुम लोग गलत हो, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में कांटों का दर्द एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने बचपन में बहुत सारी बीमारियों से सामना किया है, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि मैं इस संकट से गुजर रहा हूँ, और वो मेरे साथ हमेशा खड़े रहते थे और मुझे यकीन दिलाते थे जो तू सोच रहा है वो तू कर सकता है। जिसके बाद मुकेश अंबानी तो इमोशनल ही हो गए और रोने लगे। If you know, my life has not always been entirely a bed of roses. I've also experienced the pain of thorns. I faced many health crises since childhood, but my father and mother have never let me feel that I've suffered. My father and mother have always stood by me, and my father and mother have always made me feel that if I can think, I'll do it. And I think that is what my